वो अपने सिद्धांत का रंग भारत के नक्शे में भरा। बाबा साहब ने हमें पढ़ने का मौका दिया, बोलने का मौका दिया, सुनने का मौका दिया, ये अधिकार है हमारा, ये संविधान का फंडामेंट राइट है हमारा। इसीलिए मैं सुबह से सुन रहा हूं, सभी साथियों को सुन रहा हूं और बहुत जानकारी मुझे मिली है। समय के हिसाब से मैं थोड़ी बात करूंगा और मैं सिर्फ संविधान के इर्द गिर्द की बात करूंगा। मेरी हर छोटी बात को पूरे ध्यान से सुनना है क्योंकि संविधान का इतिहास मैं बोलूंगा और बहुत सारा ऐसा इतिहास है जो हमारे लोगों को नहीं पता। तो मैं यहां से शुरू करूंगा कि 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद हो गया, ये सभी जानते हैं, मगर 15 अगस्त 1947 को देश आजाद नहीं हुआ। ब्राह्मण आजाद हो गया, क्षत्रिय आजाद हो गया और वैश्य आजाद हो गया। मेरे ख्याल में मेरी बात आपको समझ लगी होगी क्योंकि पूरे पिछले इतिहास में ब्राह्मण कभी किसी का गुलाम नहीं रहा, केवल और केवल अंग्रेज का गुलाम रहा और जब अंग्रेज गया तो सबसे पहले ब्राह्मण आजाद हो गया। और कसम किसने पाई? प्रधानमंत्री की कसम किसने पाई? प्रधानमंत्री होने का दावा किसने किया और प्रधानमंत्री ने दस्तखत किस एक्ट पर किए, ये उस समय का इतिहास है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को जब पता चल गया, अंग्रेजों ने भी बता दिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल ने जब दस्तखत कर दिए कि देश बटेगा तो समस्या खड़ी हो गई कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। तो कांग्रेस के 15 आदमी इकट्ठे हुए, जिन जिन साथियों को नहीं पता वो नोट कर रखे कि कांग्रेस के 15 आदमी इकट्ठे हुए और उनकी वोटिंग हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1 वोट पड़ी, कृपलानी को 2 वोटें पड़ी और 12 वोट सरदार पटेल को, क्योंकि संविधान से जुड़ी हुई बात है इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं इसको जोड़ूंगा वहां जाके कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1 वोट सिर्फ उसकी अपनी और कृपलानी को 2 वोटें पड़ी और सरदार पटेल को 12 वोट पड़ी। तो प्रधानमंत्री कौन बनता है? सरदार पटेल। सरदार पटेल कौन है? ओबीसी। सरदार पटेल इस देश का मूलवासी है ना, तो गांधी मूलवासी है ना, कृपलानी मूलवासी है और ना पंडित जवाहरलाल नेहरू मूलवासी है। ये तो आप कहते रहते हो, ये पूरा इतिहास इसका। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? या तो गांधी को दबाया और जय इसको बनाया, क्योंकि ब्राह्मण का षड्यंत्र हम ज्यादा छेदी नहीं समझ सकते। जाता गांधी को दबाया उसने और एक दबाने की बात यह सामने आई कि अगर तू सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाएगा जैसे कि लिखा हुआ है तो मैं कांग्रेस तोड़ दूंगा। एक तो बात ये हुई और दूसरी, मुझे ऐसा लगता है कि गांधी को कहा होगा, अरे तू बनिया और मैं ब्राह्मण, राज तो हमारे अधिकार है। ये पूरे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि राज तो सवर्णों का अधिकार है और ये सरदार पटेल कहां से आ गया? ये ओबीसी का आदमी है। तो गांधी ने क्या किया? सरदार पटेल को मनाया। सरदार पटेल को क्या कहा क्या नहीं कहा, मैं तो उसके साथ बैठा नहीं था,
मगर यह बात सत्य है कि 12 वोटों वाला प्रधानमंत्री नहीं बना, एक वोट वाला प्रधानमंत्री बन गया। ये बात समझने वाली है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या क्यों किया ऐसा, क्योंकि 1919 के एक्ट में पहली बार डिप्रेस्ड क्लासेस का नाम दर्ज हुआ। भारत का संविधान है 1919 का एक्ट। बहुत लोगों को पता नहीं है कि भारत का 1919 का एक्ट पहला प्रधान अपना संविधान है, और उसी एक्ट के आधार पर साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई। गोलमेज कॉन्फ्रेंस का नतीजा क्या निकला कि 17 अगस्त 1932 को भारत के मूल वसूलदार हो गए, बाकी सभी के सभी गुलाम। मेरा ख्याल आज तक किसी को पता नहीं है कि 17 अगस्त 1932 को हम आजाद थे। हाँ फिर सुनो कि 1919 के एक्ट में डिप्रेस्ड क्लासेस यानी हमारी आइडेंटिफिकेशन पहली बार भारत के एक एक्ट ने हमारी जान पहचान कराई कि ये लोग भी रहते हैं भारत में। ये पहली बार हुआ। उसी के आधार पर 10 साल बाद साइमन कमीशन आया, क्योंकि 1919 के एक्ट में लिखा हुआ है कि 10 साल बाद कोई ना कोई कमीशन आएगा, वो देखेगा कि देश के हालात बदले हैं या नहीं बदले। और 1928 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या किया, 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने क्या किया, एक संविधान जला दिया। बाबा साहब ने संविधान जलाया, साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन ने रिपोर्ट दी कि इनकी हालत कुत्तों से भी बदतर। उस पर 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई, पहली 1930 में, दूसरी 1931 में, तीसरी 1932 में। 17 अगस्त 1932 को बाबा साहब जीत गए और गांधी हार गया। तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा, प्रधानमंत्री ने पहली बार इस देश के एससी एसटी को मुकम्मल तौर पर आजादी दी। वो आजादी क्या है, बहुत सारे साथी हमारे जानते नहीं कि इधर की बात है। वैसे थोड़ा समय मेरे पास, लोग नहीं जानते कि 1932 को क्या हुआ। उसमें सबसे बड़ी बात क्या थी कि ये लोग अपनी तकदीर का फैसला खुद करेंगे, ये उसमें 17 अगस्त 1932 को लिखा है। कितने लोगों को पता है कि हम अपनी तकदीर का फैसला खुद करेंगे, सिख अपनी तकदीर का फैसला नहीं करेंगे, मुसलमान अपनी तकदीर का फैसला नहीं करेंगे, ब्राह्मण अपनी तकदीर का फैसला नहीं करेंगे, क्षत्रिय और बनिया अपनी तकदीर का फैसला नहीं करेंगे, वो इंग्लैंड से फैसला होगा। मगर इस देश के दलित जिनको एससी एसटी कहा जाता है, ये अपनी तकदीर का फैसला खुद। तो क्या नतीजा क्या निकला, महात्मा गांधी ने उस संविधान के खिलाफ, देखो ना तुम संविधान की बात करें मैं वहां जोड़ रहा हूं, महात्मा गांधी ने इंग्लैंड में जो संसद की कमेटी में प्रधानमंत्री की गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जो 1919 के एक्ट के आधार पर 1928 के साइमन के आधार पर जो फैसला दिया वो एक्ट है, वो कानून है। महात्मा गांधी ने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को कि अगर तुम इस देश के अशुद्धों को ये आजादी का अधिकार देते हो तो मैं भूखा रह के मर जाऊं। ये पहला हमला हमारे संविधान पर कौन सा पहला हमला है, ये 24 सितंबर 1932 तक, 19 सितंबर 20 सितंबर 21 सितंबर 22 सितंबर 23 सितंबर और 24 सितंबर तक 6 दिन लगातार उसने हमले किए। और तभी कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर को भी मार दिया जाएगा, खून से चिट्ठियां लिखी। बाबा साहब को मजबूर किया गया कि वो आजादी छोड़ दें, और बाबा साहब ने आजादी का एक हिस्सा
छोड़ा, जो असल में जाती थी वो छोड़ दी और जो नकली जाती थी वो उनको रखनी पड़ी। और वो किसमें दर्ज हुई? 1935 के एक्ट में। इसका मतलब फिर एक्ट आ गया, फिर संविधान आ गया। जब 1935 के एक्ट में दर्ज हुआ तो 1937 में भारत में 2200 साल बाद पहली बार चुनाव हुआ। 2200 साल का मतलब समझते भाई आप? कितने साथी समझते हैं 2200 साल का क्या मतलब? अरे मौर्य काल के बाद, मौर्य वंश जाने के बाद 2200 साल बाद पहली बार भारत में चुनाव हुआ और चुनाव में भाग बाबा साहब ने लिया। इसका मतलब डेमोक्रेसी शुरू, एक नया कानून आ गया। जब बाबा साहब ने आदमी खड़े किए, अशरूत फेडरेशन के थे या कोई दूसरी पार्टी के मुझे याद नहीं है, तो कांग्रेस की, गांधी की कांग्रेस ने और गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि विधानसभा में कौन जाएगा? आगे बोलो क्या है? विधानसभा में कौन जाएगा बोलो जरा। नहीं नहीं नहीं, नेहरू और गांधी की कांग्रेस ने पूरे देश में एक नारा लगाया, मेरा ख्याल है तुम अभी नजदीक नहीं उसके, तो बड़ी बात है। वो क्या है? बाबा साहब ने आदमी खड़े कर दिए 1935 के एक्ट के आधार पर खड़े कर दिए। गांधी और नेहरू की कांग्रेस ने क्या कहा कि विधानसभा में कौन जाएगा? ढेर जाएंगे, ढेर जाएंगे। तुमको क्या कहते थे तब? अशोक और ढेर नाम था तुम्हारा। ढेर का मतलब होता है जो पेट के लिए कुछ भी कर ले उसको ढेर कहा जाता है। अगर उसको औरत भी देनी पड़े दे देगा, बच्चा देना पड़े दे देगा, बच्ची देनी पड़े दे देगा, खून का खून बेचना पड़े दे देगा, गुर्दा देना पड़े दे देगा, कुछ भी मांगोगे, आंख मांगोगे दे देगा, पेट के लिए उसको ढेर कहते हैं। ये इसकी व्याख्या है। तो गांधी ने क्या कहा, नेहरू ने क्या कहा, कांग्रेस ने क्या कहा कि विधानसभा में कौन जाएगा? ढेर जाएगा। और ढेर कौन है अब तो पता चल गया। बाबा साहब को गालियां निकाली पूरे देश में, आप बात समझ लगी? मगर बाबा साहब जीते और उनके जीतने के बाद वो जो संविधान है उसका नतीजा क्या निकला कि 1942 में 2200 साल बाद भारत का एक अशूत नीच देश का अपना मंत्री बना और उसके पास चार विभाग आए, टोटल चार विभाग, एक मंत्री चार विभाग। ये कौन सा नतीजा है? ये संविधान का नतीजा है, ये 1919 के संविधान का नतीजा है। जब 1942 में बाबा साहब मंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले लड़कियों के लिए कानून पास किया, इनकी पहले लेबर बराबर होगी, औरत की मर्द की लेबर क्या होगी? बराबर होगी। दूसरा, औरत को प्रसूति छुट्टी दी जाएगी, ये दूसरा है। और तीसरा, मटांडी ली बाबा साहब ने पास किया 1942 के बाद। और इसी तरह बाबा साहब ने बहुत सारे कानून पास किए लेबर के, वो आज तक वही चल रहे हैं जो 1942-43 में बाबा साहब ने पास किए। अरे ब्राह्मण को पता था कि ये जिसको हम ढेर कहते हैं अगर 2-4 साल रह गया तो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया का यही होगा। तो उन्होंने क्या किया, बाबा साहब के बनने के तुरंत बाद क्या कहा नेहरू ने? ये गांधी ने नहीं कहा, नेहरू ने कहा क्विट इंडिया मूवमेंट, कि अंग्रेजों भारत छोड़ जाओ नहीं तो मार देंगे। ये किसने कहा? नेहरू ने, गांधी ने। क्यों कहा? अरे एक बाबा साहब चार विभाग का मंत्री और आने वाले समय में वो प्रधानमंत्री बनने वाला है, तभी उन्होंने रास्ता रोकने की कोशिश की कि देश को बचाना है, ब्राह्मण को बचाना है, एक ही तरीका है, वो क्या है कि चमचे पर ना मारो हाथ पर मारो। ये नेहरू जो अपना
अमेरिका राइस पर हमला ना करो, इसकी मां पर हमला करो। जब तक अंग्रेज रहेगा ये हमारा बफर बना रहेगा। ये वो जानता था, तुम नहीं जानते, तुम आज तक नहीं जानते। ये बत्ती की बात है, पैंती की बात है, प्यारी की बात है, प्यारी की बात तुम आज तक नहीं जानते। मगर ब्राह्मण तब भी जानता था कि अगर एक अंबेडकर हमारे सर पर बैठ गया ना तो मुड़ के हम भारत में कभी किसी लायक के नहीं रहे। और क्विट इंडिया मोमेंट में आपको पता होना चाहिए 2.5-3 लाख अंग्रेज मरे। अरे ये रिकॉर्ड है, ये 150 नहीं मरे, 2.5-3 लाख अंग्रेज मरे। और उसकी रिपोर्ट लिखी गई प्रधानमंत्री को कि अगर एक हल्ला और होगा तो कोई अंग्रेज वापस नहीं। ये और कौन है सारा कुछ सब क्या हुआ। ब्राह्मण को चिंता पड़ी और अंग्रेज को भी चिंता पड़ी। क्यों? क्योंकि वो लड़ाई लड़के हटा था, पूरी तरह तबाह हो चुका था। उसने कहा कि अगर हमारे पर एक हल्ला और हो गया तो हमारा कुछ नहीं बचेगा। तो उन्होंने फैसला कर लिया कि देश को आजाद कर दिया जाए। जब देश आजाद करने की बात आई सुभद्र साहब, तो जो लॉर्ड वेबल था उसने बयान दिया कि जिस दिन ये देश आजाद होगा भारत के 300 दान होंगे। बहन जी ध्यान से सुनना है कि भारत के 300 दान होंगे। एक संविधान होगा हिंदुओं का, एक संविधान होगा मुसलमानों का, और एक संविधान होगा अमेरिकन के लोगों का। ये 3 संविधान का जब बयान आया तो ब्राह्मणों को तो नींद उनकी हराम हो गई। तब वो गवर्नर बदला गया और वहां की सरकार बदली लंदन की। और उसके बाद जो सरकार आई उसका नया आदमी आया, उस नए आदमी ने आके कहा कि नहीं, संविधान एक ही रहेगा, ना मुसलमान का और ना दूसरा। तभी क्या हुआ कि देश को बांट दिया जाए। और महात्मा गांधी, सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ में बैठकर मता पास किया कि देश को बांट दिया जाए। अब देश बंटेगा, ये पंडित को पता है, गांधी को पता है कि देश बंटेगा, बाबा साहब को भी पता है। मगर बाबा साहब तो मजबूर है, क्या करे वो, एक अकेला आदमी क्या करे वो। सिख भी इनके साथ, मुसलमान बाहर जाने को तैयार, बाबा साहब अकेले, बाकी सारे हिंदू एक तरह। तो तब क्या हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा अगर देश आजाद हो गया, मोहम्मद अली जिन्ना चला गया, तो उसके बाद कौन बचेगा, हिंदू। और हिंदू का सबसे बड़ा भाग कौन है, ओबीसी। अगर ओबीसी ने भी डॉक्टर अम्बेडकर के साथ मिलकर झंडा गाड़ दिया तो ब्राह्मण क्या करेगा। ये प्रश्न पैदा हो गया। तो उसने क्या किया, 13 दिसंबर 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बिना चुने हुए प्रधानमंत्री बने कांग्रेस बुलाई और उसमें खुद मता पाया कि ओबीसी को वही अधिकार दिए जाएंगे जो अधिकार शेड्यूल्ड कास्ट को और शेड्यूल्ड ट्राइब को दिए जाते हैं। बात समझाइए आपको, बात समझाइए आपको क्या है इसका मतलब कि जिन्ना चला गया बाकी रह गए हिंदू, सिख उनके साथ है, हिंदू की गिनती ज्यादा है, डॉक्टर अम्बेडकर उनके साथ नहीं है, डॉक्टर अम्बेडकर तो अपना एजेंडा लेकर चलते हैं। तो ब्राह्मण ने सोचा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि अगर ओबीसी का आदमी, ये सरदार पटेल, डॉक्टर अम्बेडकर के साथ खड़ा हो गया तो ब्राह्मण का राज कैसे आएगा। मेरा ख्याल बात आप समझ लगी, ये अंदर की बात है ना, हम कहते हैं अंदर की बात है, बाहर की बात नहीं है। तब 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद मता लिखा और अपनी कांग्रेस कमेटी में पास किया कि ओबीसी को वही अधिकार दिए जाएंगे
जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को दिए जा चुके हैं वो ही लिखा। इसका मतलब आप समझ गए, आपके दिमाग में आ गई बात कि सरदार पटेल जाना नहीं चाहिए, ये घुटने के नीचे रहना चाहिए। अगर ये चला गया अम्बेडकर के साथ तो काम हो गया, देश आजाद हो गया, सरदार पटेल चुप कर गया, गांधी भी खामोश हो गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री एक टिकट पर एक सी चलू मैं टाइम है ना। हाँ अरे ये इन्फॉर्मेशन, हाँ ओके ओके अभी मैं जल्दी खत्म करूंगा। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर हो गया, सरदार पटेल उसके साथ चला गया, गांधी ने क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू का साथ दिया इसलिए सरदार पटेल उसके खिलाफ हो गया। अब बात समझ आई, सरदार पटेल प्राइम मिनिस्टर बनता है मगर गांधी के कहने पर क्या हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू पीएम बन गया। अरे आग तो लगनी थी, लग गई, पटेल को आग तो लगनी थी वो लग गई, पंडित जवाहरलाल नेहरू को पता चल गया कि बिगड़ेगा तो उसको साथ कर लिया, अपने साथ कर लिया, गांधी अलग थलग हो गया, गांधी एक तरफ हो गया, अम्बेडकर तीनों के खिलाफ थे। 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साइन कर ले आजादी पर। क्या आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी ने एक प्रेस नोट जारी किया था, कितने आदमियों को पता है, कितने आदमियों को पता है कि 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल ना महात्मा गांधी ने प्रेस नोट जारी किया रात को ही कि जो आजादी आ रही है ये मेरे वाली आजादी नहीं है, ये लालच के भूखे लोग आजादी लेकर आ रहे हैं, मैं इसकी आजादी के समर्थन में नहीं, वो चिट्ठी मेरे पास है, वो गांधी की चिट्ठी की कॉपी मेरे पास है। मेरा ख्याल है इतनी बड़ी बात हमारे लोगों को नहीं पता। तो गांधी 15 अगस्त को लाल किले में नहीं था। अरे जो देश का राष्ट्रपिता है और जिसके कारण ही आजादी आई है, जिसकी तिकड़म ने सभी को फाहे टंग कर रखा, तो वो तो लाल किले में नहीं है। आजादी आ गई, आजादी आने के बाद क्या हुआ, 13 दिसंबर 1946 को जो मता पास किया गया वो ही मता था ही अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रद्द कर दिया। अब क्या जरूरत है, अरे प्रधानमंत्री बन गए, देश की आजादी हो गई, साइन हो गए, सब कुछ हो गया, अब सरदार पटेल क्या करेगा। तो 13 दिन बाद वो मता रद्द कर दिया। ये संविधान के साथ कितने बड़े षड्यंत्र करते हैं लोग, मैं ये समझा रहा हूं आपको। और उसके बाद बाबा साहब को रोका गया संविधान बनाने से, मगर बाबा साहब आ गए, सरदार पटेल को आगे ला दिया कि तूने रोकना इसको, क्योंकि ओबीसी का आदमी दिमाग बिगड़ा हुआ है, भारत का ओबीसी बिगड़ा हुआ है, आज तक भी बिगड़ा हुआ है, कल तक नहीं आज भी बिगड़ा हुआ है। तो वो किसके साथ करता है, वो बांदर सेना, आरएसएस की बांदर सेना में वो भर्ती है, सारे का सारा टोटल का टोटल। मंदिर में कौन जाता है, वही जाता है। मंदिर में नारियल कौन लेकर जाता है, वही जाता है। मंदिर में देसी घी कौन लेकर जाता है, वही जाता है। दूसरा तो रहा कोई नहीं, दूसरा कहाँ है, भारत का 7 करोड़ आदमी ओबीसी है तो कौन जाएगा वहां। तो उसका नतीजा क्या निकला कि बाबा साहब संविधान के मालिक बन गए और बाबा साहब ने फिर दिल की पूरी कर। अरे बहुत देर से भी कर रहा था, जब उसके हाथ में आ गए उसने क्या किया, निचोड़ दिया है। और 26 नवंबर को संविधान पूरा हो गया, बाबा साहब ने पेड़ कर दिया। अरे कोई संविधान जब डेमोक्रेसी लागू होती है
जब तक संसद पास ना करे लागू नहीं होता। ये डेमोक्रेसी का रूल है। तो संसद में पास होने के लिए 26 नवंबर को बाद कितना टाइम लगा? 26 नवंबर से 26 जनवरी तक कितना टाइम लगा? 2 महीने। 60 दिन में पास हो गया। 60 दिन में पास होने के बाद की आप क्या हुआ? बस मैं 5 मिनट में खत्म करने वाला हूँ, बहुत बात रह जाएगी, मगर मैं जितनी है उसको करूंगा। तो क्या हुआ कि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा उसमें पहली बात 2 महीने में पूरा कर दिया, बाकी बात छोड़ दो, अब आगे आ जाओ, बाकी तो आपको पता है ज्यादा। तो पहली बात क्या लिखी भारत के संविधान में? हम भारत के लोग, पीपल ऑफ इंडिया। अरे पहले ब्राह्मण था, पहले क्षत्रिय था, पहले बनिया था, औरत भी कोई नहीं थी, कुटुंब भी नहीं थे, तुम कहां थे जा? एससी ओबीसी के लोग कहां थे? तो बाबा साहब ने पहली लाइन में क्या लिखा? हम भारत के लोग। इसका मतलब ब्राह्मण तुम भी हो गया, अब क्षत्रिय तुम भी हो गया, और बैन वैश्य तुम भी हो गए, अब ओबीसी भी होगा, अब एसटी भी होगा, अब एससी भी होगा, अब देश का मुसलमान भी होगा, अब सिख भी होगा और ईसाई भी होगा, और तू 15 रहेगा और हम 85 होंगे। हम भारत के लोग का अर्थ ये। वही थी सॉवरन पीपल ऑफ इंडिया। सॉवरन का मतलब क्या होता है? प्रभु संपन्न। बाबा साहब कहते हैं कि हम अब भारत के प्रभु लोग हैं। अरे ब्राह्मण तू प्रभु नहीं, हम प्रभु हैं, फैसला हम करेंगे, और जो फैसला देश का होगा वो हम करेंगे। तो दूसरी बात क्या लिखी बाबा साहब ने कि आज के बाद सभी को विद्या, चाहे बच्ची है चाहे बच्चा है, सभी स्कूल जाएंगे, सभी कॉलेज जाएंगे, सभी यूनिवर्सिटी जाएंगे, सभी डिग्री लेंगे। इसका मतलब समझते हो क्या? अरे पहले ब्राह्मण डिग्री लेता था, लेता नहीं था, मेरे डिग्री बना लेता था, घर में बैठा जन्म कुंडली देखता, जन्म कुंडली में डिग्री तो लेता नहीं। कोई बात नहीं, मैं गाली थोड़ी निकाल रहा हूं, मैं सिस्टम समझा रहा हूं आपको। तो क्षत्रिय के पास कौन सी डिग्री थी? क्षत्रिय के पास भी ब्राह्मण ने डिग्री दी हुई थी। अब बढ़िया के पास कौन सी डिग्री थी? वो भी ब्राह्मण ने दी हुई थी। हाँ, तुम्हारे पास कौन सी डिग्री थी? कि तुम झाड़ू पोछा करोगे, तुम गोहा खाओगे, तुम मल मूत्र खाओगे, तुम जूते खाओगे, जूते बनाओगे, ये तुम्हारी डिग्री है। खेत तुम्हारा कोई नहीं, कपड़े तुम नहीं पाओगे, साइकिल तुम नहीं चलाओगे, गाड़ी पर तुम नहीं बैठोगे, अरे जहाज चढ़ने की बात छोड़ो, तुम्हारे पास कोई जमीन का टुकड़ा नहीं होगा। ये सारे का सारा कहां लिखा है? मनुस्मृति के विधान में लिखा हुआ है। अब 1927 को मनुस्मृति को जला दिया बाबा साहब ने, और उसकी जगह क्या लिखा? भारत का संविधान। संविधान में क्या लिखा कि अगर ब्राह्मण पढ़ने जाएगा तो चमार भी पढ़ने जाएगा, अगर क्षत्रिय पढ़ने जाएगा तो हमारी लड़की भी पढ़ने जाएगी, हमारा बच्चा भी पढ़ने जाएगा। नतीजा क्या निकला कि हम कमिश्नर हो गए। क्या नतीजा निकला? हम कमिश्नर हो गए, हम प्रोफेसर हो गए, प्रिंसिपल हो गए। अरे जो गधे पर बैठता था वो जहाज में चलने लगा, जो आदमी हमारा गधे पर बैठता था तो वो क्या हो गया? वो तो एयर इंडिया पर जाता है। अब एयर इंडिया से तो कोई नहीं आता, तुम डॉक्टर हो गए, तुम वकील हो गए, यहाँ एसडीओ बैठा है, तो एसडीओ बैठे सामने सुपरवाइजर बैठा है, प्रिंसिपल बैठा, तुम भी कुछ ना कुछ तो है यार। ये कहां से आ गया? क्या भगवान ने बनाया यहाँ? संविधान ने बनाया। अरे फैसला करो ना कि भगवान ने बनाया यहाँ को, संविधान ने, और फिर क्या किया बाबा साहब? कि तुम लोग
भारत में कोई भी आदमी औरत उसको घूमने से कोई नहीं रोकेगा। अरे तुम्हारे लिए ये सब संविधान की धारा क्यों है, कभी आपने दिमाग पर जोर दिया? ये घूमने फिरने का अधिकार क्या होता है कि पब्लिक प्लेस पर तुम जाओगे, ये क्या होता है? क्योंकि तुम जा नहीं सकते थे, हजारों साल तक कुएं पास नहीं जा सकते थे, हजारों साल तक तुम किसी के सामने से गुजर नहीं सकते थे, हजारों साल तक तुम्हारी औरत जो वो नंगी उसके सामने चलती थी, मजदूर चलती थी। और बाबा साहब ने क्या किया कि आज के बाद भारत का कोई कोना नहीं जहां तुम घूम नहीं सकते। अरे हम घूमने नहीं लगे, जहाज में चढ़ने लगे, हम चीफ सेक्रेटरी हो गए, हम मंत्री हो गए, हम राष्ट्रपति हो गए, हम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो गए, हम आईएएस हो गए। अरे एक झोंपड़ी की लड़की हमारी वो आईएएस डिप्टी कमिश्नर हो गई, और राजस्थान की सबसे पहली लड़की रेलवे पायलट शेड्यूल्ड कास्ट लड़की, पहली भारत की पहली लड़की रेलवे पायलट शेड्यूल्ड कास्ट। घूमने का मतलब स्कूल जाना, घूमने का मतलब कॉलेज जाना, घूमने का मतलब यूनिवर्सिटी जाना, घूमने का मतलब रेल पर चढ़ना। अरे बाबा साहब को तो बाहर निकाला, चला चलती रेल से बाहर फेंका था। बाबा साहब ने कहा नहीं अब मेरा संतान लागू होगा। अरे फेंकर देखो ना, देखो ना फेंकर, अब जायदाद का अधिकार। तुम बताओ क्षत्रिय को क्या जरूरत है जायदाद की भाई, ब्राह्मण को क्या जरूरत है जायदाद की, वैश्य को क्या जरूरत है जायदाद की? जायदाद तो उसको चाहिए जिसके पास नहीं है, तो जायदाद का अधिकार किसका हो गया? तुम्हारा हो गया। वोट का अधिकार तुमको दिया क्यों? वोट का अधिकार तुमको क्यों दिया कि तुम इस देश का फैसला करोगे, ये डेमोक्रेसी में तुम फैसला करोगे। तो जितने भी अधिकार बाबा साहब ने दिए वो तुम्हारे लिए दिए। अरे 17 आर्टिकल जब लिखा तो भारत में शुआ चांद खत्म, ये तुम्हारा आर्टिकल नहीं है। 13 आर्टिकल में बाबा साहब ने क्या लिखा कि आज के बाद संस्कृति का कोई सिद्धांत संविधान के ऊपर लागू नहीं होगा, ये तुम्हारा नहीं है। अरे सारा कुछ तुमको दिया और तुम मंदिर में ओके। तो मैं इतनी बात कहकर यही कहना चाहता हूं कि भारत के संविधान को जो बाबा साहब ने लिखा तुम कभी नहीं समझ सके। मुझे मौका मिलता 2-3 घंटे, अगर मेरा पूरा केडर होता तो तुम्हारी जड़ों में उतार देता महर्षि। और तुम पूरे देश में घूमते और बताते लोगों को यह सच्चाई। और जिनका संविधान भगवान से ज्यादा शक्तिशाली हो और वो इधर उधर घंटियां बजाता रहे, अरे धिकार है हमारे जीना, मर जाना चाहिए हमें, हमें जीने का कोई अधिकार नहीं। तो बस इतनी बात कहे कि संविधान को अच्छी तरह पढ़ना, अच्छी तरह समझना, ना समझ लगे मेरे को फोन करना, मैं समझाऊंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद करता हूँ आपका, डॉक्टर साहब का धन्यवाद, इनका भी धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।